अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आवाज़ क्लियर है? साउंड क्लियर है? सुनाई दे रहा आप लोगों हाँ को? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, नबीयना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن شاء الله हम लोग आज 26वां सबक करेंगे, लेसन 26। पिछले मर्तबा हम लोग नए किस्म का एक फ़ेल किए थे, जिसको कहा जाता है अरबी में कमज़ोर फ़ेल। ठीक है, कमज़ोर फ़ेल, वीक वर्ब्स। कमज़ोर किस एतबार से? हरूफ के एतबार से। उसमें कमज़ोर हरूफ के होने की वजह से उस फ़ेल को कमज़ोर फ़ेल, वीक कहा जाता है। और वो कमज़ोर हरूफ क्या है? वाव या तो या, वाव या तो या, इन हरूफ के होने के वजह से क्या उसको कहा जाता है? कमज़ोर फेल। तो आगे बढ़ने के पहले मश्क को दे, हम लोग मश्क से शुरू करेंगे। मेन जो स्टोरी है, मेन चैप्टर, वो हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे, आज मश्क से शुरू करेंगे। और आगे बढ़ने के पहले 2 मिनट हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो अरबी में जैसा आपको पता है, जो फेल होता है उसको इस वजन से तारुफ करवाया जाता है। ठीक है, फ़ाला, फा आइन और लाम। ठीक है, फा आइन लाम, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, जैसे कि खराजा, जलासा, शरीबा वगैरह। ठीक है, अब इसमें से अगर, यानी कि फा आइन लाम में से, फा आइन और लाम में से कोई भी हर्फ जो है वाव हो या तो क्या हो, या हो, वाव हो या तो या हो। ठीक है, जैसे नॉर्मल अगर मिसाल दिया जाए, फा आला के वजन में क्या आएगा? खराजा। ठीक है, अगर नॉर्मल अगर मिसाल दे नॉर्मल फेल की, तो मिसाल क्या हो? खराजा। ठीक है, खराजा, जिस खराजा में खा जो है ये क्या है? फा कलीमा, पहला वाला हर्फ। खा क्या है? फा कलीमा। रॉ क्या है यहाँ पे? आइन कलीमा। ठीक है, और जीम क्या है? जीम जो है वो लाम कलीमा। ये क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर। फा है खा, आइन है रॉ, लाम है जीम। ठीक है, या जलसा, शरीबा, जो भी हम लोग किए फेल उसको ले लीजिए। ठीक है, लेकिन हम लोग जो फेल शुरू की, जो दो क्लास से हम लोग कर रहे हैं, वो कौन सा फेल हम लोग कर रहे हैं कि फा में, ठीक है, ये खराजा की मिसाल हो गई। हम लोग को जो करना है वो क्या है कि फा वाला जो कलिमा है, या आइन वाला है, या लाम में कहीं भी क्या वाव आ जाए या आ जाए। ठीक है, तो अगर जैसे मसलन फा आइन लाम एक फेल करते हैं जो पिछले मरतबा हम लोग किए थे, व जा दा। ठीक है, व जा दा, यहाँ पे फा कलिमा क्या है? फा, फा कलिमा क्या है यहाँ पे? वाव है। आइन कलिमा क्या है यहाँ पे? जीम है। लाम कलिमा क्या है यहाँ पे? दाल है, व जा दा। ठीक है, अब वाव जो है वो कौन से पोजीशन में आ गया? पहला वाला हर्फ के पोजीशन में आ गया, जिसको क्या कहते हैं? फा कलीमा।
तो फा कलीमा क्या है यहाँ पे? वाव है, ठीक है। तो वाव या, वाव या अगर फा में आ जाए, फा के पोजीशन में आ जाए, या ऐन के पोजीशन में आ जाए, या लाम के पोजीशन में आ जाए, तो वो फेल हो जाता है, क्या? कमजोर फेल कहलाता है। क्या कहलाता है वो? कमजोर फेल, ठीक है। कब? जब वो ये फा में वाव, यहाँ पे कमजोर कमजोर हरूफ क्या है? यहाँ पे वाव है, ठीक है। इस फेल में कमजोर हरूफ क्या है? कमजोर हरूफ जो है वो क्या है? वाव है। वाव कमजोर हरूफ है ना। और वाव कौन से पोजीशन में आया हुआ है? फा के पोजीशन में आया हुआ है ना। तो ये वाव जो है कभी कभी बीच में भी आ सकता है, ऐन के पोजीशन में भी आ सकता है, ठीक है। और ये वाव कभी कभी लाम के पोजीशन में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ वो अफाल कर रहे हैं, वो फेल करेंगे, ठीक है, जिसमें वाव जो है कौन से पोजीशन में आ रहा है? फा वाले पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। माने पहला हर्फ जो है वो वाव है। पहला हर्फ क्या है? पहला हर्फ ही कमजोर है, ठीक है। फिर हम दोहरा देते हैं, कमजोर हर्फ, कमजोर हर्फ कहते हैं अरबी में किसको? वाव को, या को। उसको कहते हैं हर्फ इल्लत, ठीक है, हर्फ इल्ला कहा जाता है इसको, हरूफ इल्ला, ठीक है, हरूफ इल्लतिन, हर्फ इल्लत या कमजोर हर्फ, वाव को या को। तो ये वाव या अगर कहीं भी फा में आ जाए वाव, या आयन में आ जाए, या लाम में आ जाए, या तो वाव या तो या, फा में आ जाए, आयन में आ जाए, लाम में आ जाए, तो वो फेल क्या हो जाता है? कमजोर फेल कहलाता है, ठीक है। या तो वाव हो या तो या, वो फेल क्या कहलाता है? कमजोर फेल कहलाया जाता है फेल, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं अरबी में कमजोर के, क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? मुअतल, ठीक है। क्या इस्तेमाल करते हैं? मुअतल, मीम के बाद आयन और ता पर फतह और मुअतल, मुअतलुन, ठीक है। मुअतल अलफ़िलुल मुअतल, अलफ़िलु अलमुअतलु, ठीक है। तो इसको मुअतल फेल कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, मुअतल। तो मुअतल फेल कब कहते हैं? जब फा में या आयन में या लाम में वाव आ जाए, यानी कि फा कलिमा, आयन कलिमा, लाम कलिमा में से कोई भी एक कलिमा जो है वाव हो या हो, अलिफ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन अलिफ जब दिखता है तो वाव वाव या ही होता है असल में, खैर अलिफ का बाद में करेंगे। तो फा आयन लाम जो है, अगर इसमें से कोई भी हर्फ वाव हो जाए, वाव या हो जाए यहाँ पे, तो क्या हो जाता है? वो फेल मुअतल कहलाता है। लेकिन अभी हम लोग जो है कौन सा मुअतल फेल कर रहे हैं? मुअतल यानी कि इल्लत, कमजोरी कहाँ पर पाई जा रही है? फा में, फा में, फा कलीमा में वाव बन कर क्या वाव आ रहा है, ठीक है। तो अब अभी हम लोग कौन सा फेल कर रहे हैं? मुअतलुल फा, ठीक है। कौन सा फेल कर रहे हैं? अल मुअतलुल फा, मुअतलुल फा यानी कि फा का कमजोर होना, यानी कि फा में या तो वाव या तो या होना, ठीक है। कौन सा फेल कर रहे हैं हम लोग? फा में, फा का मुअतल होना, अल मुअतलुल फा, फा में कमजोरी होना, यानी कि फा में कौन, कैसी कमजोरी फा में? वाव है या तो या है? वाव है। अभी हम लोग सिर्फ वाव वाला फेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मुअतलुल फा को, मुअतलुल फा समझ में आ गया आपको? फा कलिमा में मुअतल है, यानी कि फा कलिमा में इल्लत है, यानी कि फा कलिमा में वाव है या तो या है, वैसा फेल कर रहे हैं। अब इस तरह का फेल को एक और नाम भी दिया जाता है, मुअतलुल फा, यानी कि फा में कमजोरी, फा कलिमा या तो वाव या तो वाव, फा कलिमा में या तो वाव है या तो या है, इसको एक और नाम दी जाती है, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है? जैसे कि नीचे आपका लिखा हुआ है, इसको दिया जाता है नाम फेल मिसाल, मिसाल एग्जाम्पल, मिसाल कहते हैं वही मिसाल, लेकिन मुराद क्या है इससे? फेल मिसाल, मिसाल फेल, जैसे कि नीचे भी दिया हुआ है आपको यहाँ पे, फेल मिसाल, मिसाल यानी कि मुअतल फा वाला फेल, मिसाल यानी कि वो फेल जिसका फा कलिमा, जिसके फा कलिमा में वाव है या तो या है, ठीक है। मिसाल फेल किसको कहते हैं? फेल मिसाल जिसके फा कलिमा में वाव हो या तो या हो। लेकिन अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं? फा कलिमा में कौन क्या आ रहा है? सब मिसाल देख रहे हैं आप, देखिए वजादा, ठीक है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं
मिसाल की मिसाल, ठीक है, फेले मिसाल की मिसाल हम लोग कर रहे हैं, तो सब में वाव है, वा ज्यादा, या वाला नहीं कर रहे हैं, या साला ऐसे, या ज्यादा ऐसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या सारा नहीं, सब वाव वाले, वाव से शुरू हो रहा है, फेल मिसाल वाव है ये, वा साल, वा ज्यादा, वा साला, वा जाना, इस तरह का कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, मिसाल तो कर रहे हैं, मिसाल यानी कि फर्स्ट लेटर कमजोर, फर्स्ट लेटर में वाव या तो या, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, मिसाल का कौन सा किस्म कर रहे, मिसाल वावी, मिसाल कौन सा कर रहे, मिसाल, मिसाल वावी, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग कर दोहरा बता चुके थे पिछले दो क्लास में, फिर भी बता दे रहा अगर कहीं डाउट होगा तो, ठीक है। मिसाल वावी कर रहे हैं हम लोग, कौन सा कर रहे हैं, मिसाल वावी, यानी कि वावी यानी कि कौन सा कमजोर हर्फ आ रहा है, वाव आ रहा है, ठीक है। वाव कहाँ आ रहा है, फा कलिमा में आ रहा है, समझ गए। तो जितने मिसाल अभी हम लोग कर रहे हैं वो सब में वाव, मिसाल वावी कर रहे हैं हम लोग, मिसाल वावी, ठीक है। मिसाल यानी कि मुअतल्लुल फा, मुअतल्लुल फा को एक और नाम दिया गया क्या, ये देख रहे हैं पूरा, मुअतल्लुल फा को एक और नाम क्या दिया गया, मिसाल। अब मिसाल यानी कि फर्स्ट लेटर में वाव या तो या, अब क्या कौन से मिसाल हम लोग कर रहे हैं, वावी कर रहे हैं, तो मिसाल वावी भी कहलाता है ये फेल। तो जितना फेल यहाँ पे आपको दिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे ये सबका सब क्या है, मिसाल वावी है, सबका सब क्या है, मिसाल वावी, मिसाल वावी है ये सब, ठीक है, मिसाल है वावी। तो वह ज्यादा यानी कि उसने पाया, ही फाउंड, वह ज्यादा यानी कि ये सब करना, आपको तर्जमा आना चाहिए, किताब लेके उम्मीद आप बैठे होंगे, तर्जमा पेन से या पेंसिल से लिख लीजिएगा, ठीक है। वह ज्यादा यानी कि ही फाउंड, उसने पाया यानी कि पाना, वसाला, वसाला मतलब वो पहुंचा, वो ही अराइव्ड, वसाला मतलब पहुंचने के माने में, ठीक है, वसाला, वसाला वो पहुंचा, ही अराइव्ड, वसाला। वजना, वजना मतलब उसने वजन किया यानी कि वजन करना, वजना, वेट करना। वादा, वादा, वादा करना, वादा यानी कि ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, वादा करना, वादा। उसके बाद वबा, वबा, वबा मतलब रखना, टू प्लेस, टू पुट, ठीक है, वबा, वबा रखना, उसने रखा। उसके बाद वहाबा, वहाबा मतलब उसने दिया, उसने अता किया, मतलब उसने गिफ्ट दिया, ये सब माने आता है, देना, गिफ्ट देना, टू ग्रांट, टू गिव अ गिफ्ट, टू बेस्टो, इस तरह का मीनिंग इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। वहाबा, हिबा करना, देख रहे वही लफ्ज़ है, हिबा, वहाबा। उसके बाद वजबा, वजबा मतलब वाजिब होना, ज़रूरी होना, वजबा मतलब वो वाजिब हो गया, वजबा मतलब इट इज़ कंपल्सरी, वो वाजिब हो गया, वाजिब इसी से निकला है, वजबा से वाजिब निकला, वजबा मतलब वाजिब होना, कंपल्सरी हो जाना, इट बिकेम कंपल्सरी, इस मीनिंग में आएगा। वकाफा, वकाफा मतलब वो खड़ा हुआ या तो वो रुक गया, दोनों माने इसमें आता है, ही स्टूड या ही स्टॉप्ड, वो खड़ा हुआ या तो वो रुक गया, ठीक है। ये सब जो वेल हम लोग किए हैं, सब में कॉमन चीज़ क्या है, सब शुरुआत किससे हो रहा है, कमजोर कमजोर हर्फ से। और कौन सा कमजोर हर्फ है शुरू में, वाव या तो या, वाव है या है, वाव है, ठीक है। और शुरू फर्स्ट में कमजोरी हो, फर्स्ट में वाव या हो, तो क्या कहलाता है, कैसा कमजोरी कहलाता है, ये मोतल्लुल फा कहलाता है। फर्स्ट लेटर अगर कमजोर हो तो क्या कहलाता है, मोतल्लुल फा, जिसको मिसाल के नाम से भी जानते हैं, मोतल्लुल फा का एक और नाम क्या है, फेले मिसाल। अब कमजोरी वाव है या है, वाव है तो अब क्या कहते हैं, कौन सा मिसाल है, ये मिसाल वावी है। या होता तो क्या होता, मिसाल या ई, ये कौन सा फेल कर रहे हम लोग, मिसाल वावी। तो इतना हम लोग खुलासा के साथ कर लिए, तो उम्मीद है ये क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या करना है हम लोग, नंबर दो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, तामल, तामल माने गौर फिक्र कीजिए, किस पर, अल मिसाल, मिसाल पर, जो एग्जांपल आ रहा है उस पर। तुम उसके बाद क्या कीजिए, फिर उक्तुब, उक्तुब देख फेल मुदारे, उक्तुब फेल अम्र, उक्तुब राइट, देन राइट, तुम माने देन, उक्तुब माने राइट, तुम मक्तुब, फिर उसके बाद लिखिए, क्या लिखिए, मुदारिया, फेल मुदारिया लिखिए, मुदारियल अफआल आतियती, आतियती माने आने वाले अफआल के मुदारे को लिखिए, ठीक है। ये आपका टास्क है, राइट द मुदारे ऑफ द फॉलोइंग वर्ब, इंग्लिश में लिखा हुआ। तो अभी नीचे यहाँ पर क्या करना है कि अब जो फेल मुदारे हैं यहाँ पे, फेल मुदारे आपको बनाना है, ठीक है। मादी दिया हुआ है,
अब क्या करना है आपको, फेल मुदारे इसका लिखना है। तो यही तो हम लोग कायदा किए ना लास्ट क्लास में, कि फेल मुदारे जो है मोतल फा, यानी कि फेल मिसाल का, फेल मिसाल में यानी कि मिसाल वावी में पहला हर्फ अगर वाव हो, ऐसा फेल कर रहे हैं जिसका पहला हर्फ क्या फा कलिमा क्या हो, वाव हो, तो उसका मुदारे में कुछ फर्क पड़ता है ना। मुदारे आम मुदारे की तरह नहीं होता है, तो वही हम लोग जो कर चुके हैं वही कर रहे हैं। वह ज्यादा, जैसे कि वह ज्यादा उसने पाया, इसका मुदारे क्या होगा, यजीदू। वह ज्यादा का मुदारे क्या है, यजीदू। यहाँ पता है यार असलुहु, इसका असल क्या था, एक्चुअल मुदारे क्या था, यउजीदू। क्या कहा जा रहा है, वह ज्यादा का एक्चुअल मुदारे क्या था, यउजीदू, कौन से बाब में, बाब दराबा, बराबा यद्रिबू, ठीक वैसे क्या होना चाहिए था वजदा को, वजदा यउजीदू, बाप दराबा, जैसा बता चुके आपको पहले, वजदा यउजीदू। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, हुजीफत, हुजीफत मतलब हजफ कर लिया गया है, मिनहू, मिनहू माने फेल से, हुजीफत मिनहू, फेल से हजफ कर लिया गया किसको, वाव को, यानी कि वाव को जो है ना ड्रॉप कर दिया गया, हटा दिया गया फेल से। ठीक है, तो जैसे वाव को हटाया गया इस फेल से, तो नतीजा क्या हुआ, यहाँ पे हो गया क्या, ये यजीदू। तो फेल मुदारे क्या होगा अब इसका, यजीदू नहीं बल्कि क्या, यजीदू, यजीदू नहीं बल्कि क्या, यजीदू। ठीक है, यजीदू। उसके बाद ठीक वैसे ही वजह, तो क्या हो गया यहाँ पे, वजह यजीदू। ठीक है, आवाज आ रही है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या है, वजदा यजीदू उसने पाया, वजदा माली, यजीदू क्या है, मुबारे। अब यजीदू मुदारे मिल गया, आप पूरा कर सकते गर्दान इसका, पांच आसान क्या होगा यजीदू का, यजीदू तजीदू तजीदू अजीदू नजीदू, अजीदू मैंने पाया, मैं पाता हूँ, मैं पाऊंगा, नजीदू हम सब पाएंगे, हम सब पाएंगे, पाते हैं, पा रहे हैं। ठीक है, अब गर्दान जैसे नॉर्मल होता वही होगा, यजीदू यजीदानी यजीदूना, ठीक है, तजीदू तजीदानी यजिदना, नॉर्मल गर्दन जैसे होता बस वैसे, बस वाव यहाँ पे हजफ हो गया। ठीक है, तो हजफ कब हो रहा है, जब शुरुआत किस चीज़ से हो रहा है, ये फेल हजफ किस में हो रहा है, मिसाल वावी में हजफ होता है, जिस फेल के शुरू में क्या फा कलिमा वाव बन करके आया। ठीक है, इसमें कुछ तफसीर है कि कभी कभी वाव वाला फेल होता है लेकिन फिर भी उसका हजफ नहीं होता है, वाव हजफ नहीं होता, पूरा मुकम्मल मुदारे रहता है। ठीक है, लेकिन उसके वो बाद में करेंगे, अभी जरूरत नहीं, अभी मिसाल चैप्टर में बस वैसे ही वही मिसालें दी गई हैं जिसका फेल मुदारे जो है जिसमें हजफ हो जा रहा है, मिसाल वावी का मोतल फा का फेल मुदारे हजफ हो जा रहा है, फेल मुदारे में हजफ हो जाता है, वो सीख मिसाल वो एडवांस इंशाल्लाह कहीं बाद में करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, वक़फ़ा, फेल मुदारे आपको बताना है। ठीक है, वक़फ़ा बताइए मुदारे क्या होगा, वक़फ़ा का मुदारे कौन बताएगा, वक़फ़ा यकीफु यकीफु, बहुत अच्छा, माने बताइए, यकी वक़फ़ा यकीफु का माने क्या है, वक़फ़ा यकीफ़ु मीनिंग क्या है, कौन बताएगा माने इसका, अभी बताए थे, बताइए। ही स्टॉप, हाँ स्टॉप, वक़फ़ा दोनों माने हो सकता है, ही स्टूड, वो रुका या वो खड़ा हुआ, हाँ बहुत अच्छा, ये माने वक़फ़ा, वक़फ़ा यकीफ़ु, ठीक है, वक़फ़ा यकीफ़ु, वक़फ़ा यकीफ़ु, ठीक है। तो उसके बाद में अब क्या है, वजाना, ये क्या होगा, वजाना यजीनु, इसका क्या होगा मुदारे, वजाना यजीनु, वजन करना। ठीक है, वसाला यसीलु, वसाला यसीलु यानी कि पहुंचना, ही अराइव इस माने, वसाला यसीलु। उसके बाद वजबा, वजबा मतलब वाजिब होना, वजबा, ये बहुत कॉमन फेल है, हम लोग करेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर के। ठीक है, इसका मुदारे लिख देते हैं यहाँ पे आपको, वजबा यजीबू, ठीक है, वजबा यजीबू, वजबा मुदार मादी, यजीबू क्या है मुदारे, वजबा यजीबू, यजीबू, यजीबू का मतलब क्या हो जाएगा, वाजिब है, इट इज कंपल्सरी, यजीबू का मतलब क्या हो जाएगा, वाजिब है। इसलिए बहुत सारी किताबों में आप देखिएगा, तो अकीदे की किताब, बहुत सारे इस तरह का किताब में, या मसला मसल किताब, इसलिए इस तरह का अल्फाज आएगा, यजीबू वाजिब है, अलैना हम पर,
यजीबु अलैका वाजिब है तुम पर, देख रहे हैं ना, यजीबु कॉमन यूज है ये फेल का, यजीबु वजबा यजीबु, ठीक है। वादा वादा, ठीक है, वादा वादा मतलब उसने वादा किया, ही प्रॉमिस्ड, तो वादा या आदू, ठीक है। वादा का मुदारे क्या होगा, या आदू वादा या ईदू, वादा या ईदू, ठीक है, या ईदू उसने वो वादा करता है, कर रहा है, करेगा, वादा या ईदू। अब एक मुदारे मिल गया, पूरा गर्दान आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद वाला जा, ठीक है, ये कौन सा फेल है, वाला जा। अब वाला जा एक इसका मीनिंग भी बताया गया है यहाँ पे, वाला जा आम, ये जो है बाकी सबका मीनिंग बता दिया गया, इजी है निकालना समझना, वजना वजन, वजबा वाजिब, इस तरह वादा वादा, वाला जा ये अनकॉमन फेल है तो इसलिए इसका माने बताया गया, वाला जा मतलब मानाहु, ठीक है, मानाहु मतलब इट्स मीनिंग, ये मुदाफ मुदाफ फेल है, मानाहु मीनिंग ऑफ इट, यानी कि इट्स मीनिंग मानाहु, तो वाला जा बता दिया, वाला जा मानाहु, वाला जा इसका माना है क्या है, मानाहु इट्स मीनिंग इज क्या, दखला, देख रहे हैं, वाला जा किस मीनिंग में आता है, दखला के माने में आता है, वाला जा मतलब दखला, ठीक है, वाला जा मतलब दखला। तो वाला जा का मुदारे कौन होगा, क्या होगा बताइए, वाला जा मुदारे क्या होगा, दखला यह दुखलू होता है, वाला जा का मुदारे क्या होगा, यह दखलू, हाँ, वाला जा का क्या होगा, यह दखलू, यलीजू, 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 ठीक है, हाँ, दखला यह दुखुल होता है, लेकिन दखला के माने एक और वर्ड अरबी में वो है क्या, वाला जा, ठीक, तो वाला जा का मुदारे कैसा होगा, जैसा अभी नया मुदारे हम कर रहे इस तरीके का, ठीक है, यलीजू, ठीक है, वाला जा कुरान में इस्तेमाल है, वाला जा यलीजू, ठीक है। हाँ, तो अब जो हम लोग यहाँ पर जो जितना फेल किए हैं ना हम लोग यहाँ से लेकर के इधर तक, ये सब जो है बाप दराबा है, समझ लीजिए दराबा की तरह है, ठीक है, ये सब फेल क्या है, जिसका मुदारे में कसरा आ जा रहा है, ठीक है, ये जो वजदा से लेकर के वलजा तक जो है ना, ये क्या बाप दराबा है, दराबा यदरिबू की तरह है, दराबा यदरिबू की तरह है कि नहीं, दराबा यदरिबू, दराबा यदरिबू, ठीक है, वजबा यौजिबू था, यजीबू हो गया, वादा यौईदू था, वलजा यौलिजू था, क्या हो गया, यलिजू हो गया, तो ये बाप दराबा में चला गया, ये सब फेल वजदा से लेकर वलजा था, ठीक है। अब जो आप फेल देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ, अब क्या, वदअ, हाँ, वदअ ये दूसरा फेल आया, अब वदअ वदअ, वाव दाद और आइन, तो वदअ का मुदारे जो है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वदअ वदअ के बारे में क्या बताया गया, वदअ जो है मुदारिउहु, उसका मुदारे क्या है, मुदारिउहु, जैसे कि ये हु जो जा रहा था इसमें, इस मिसाल में हु जा रहा था किसके तरफ, वलजा के तरफ, कि वलजा का मीनिंग, उसका मीनिंग मतलब वलजा का मीनिंग दखला है, ठीक, वैसे ही वदअ मुदारिउहु माने उसकी, उसका मुदारे क्या है, हु से मुराद क्या है, ये वदअ मुदारिउहु, ये किताबुहु, ये मुदाफ मुदाफ लही है, उसका मुदारे है, यानी कि वदअ का मुदारे क्या है, वदअ मुदारिउहु, उसकी मुदारे, उसका मुदारे क्या है, यदअउ यदअउ। अभी जितना मुदारे हम लोग किए हैं सब में आपका आइन कलिमा में क्या आया है, कसरा आया है कि नहीं, यजीबू कसरा ना आया है, यजीदू, क्योंकि बाप दराबा था ये सब, इसलिए कसरा है। अब ये जो फेल है वदअ, वदअ का फेल मुदारे क्या है, यदअउ, क्योंकि ये दूसरा बाब है, ठीक है, क्या बताया गया, ऐसा क्यों वदअ यदअउ क्यों हो गया, यदिउ क्यों नहीं हुआ, वदअ यदिउ जैसे ऊपर में हो गया, तो यदरिबु यजीबु यकीफु, इसलिए बताया गया कि क्या बताया जाए, लियन्नहु इसलिए के, लियन्ना लियन्ना मतलब बताना, बिकॉज इसलिए के, ठीक है, क्या बताया गया, लियन्नहु इसलिए के वो, हु से मुराद क्या है, हु से मुराद ये वदअ, हु से मुराद क्या है, ये वदअ, इसलिए कि वो यानी कि वदअ जो है वो किसके जैसा है, मिसलु ज़हाबा,
मिसलु ज़हबा यज़हबु, बताया गया है इसलिए कि वदा यदउ जो है वो ज़हबा यज़हबु के मिसल है, ठीक है, इसलिए कि वो ज़हबा यज़हबु के मिसल है, मिसलु ज़हबा यज़हबु, ज़हबा यज़हबु के तरह है, मिसलु माने ज़हबा यज़हबु के तरह है, इसलिए ये वदा माने कि कह सकते समझाने के लिए कि ये बाब बाब ज़हबा यज़हबु, बाब ज़हबा यज़हबु कौन सा बाब में जाता है, फतहा यफ्तहु में जाता है कि नहीं, फतहा ज़हबा यफ्तहु यानी कि यज़हबु बाब फतहा में जाता है, तो कहा जा रहा है कि ये जो है मुदारे वदा यदउ ये ज़हबा यज़हबु के मिसल है, यानी कि कह सकते हैं ना कि वदा जो है ये बाब फतहा में गया, इसलिए वदा का मुदारे क्या हो जा रहा है, यदउ, जो कि ओरिजिनल क्या था यदउ, वाव तो हज़फ हो गया है ना, यदउ वदा यदउ, तो ठीक है कह सकते हैं कि ये जो है बाब आपका बाब फतहा में है, बाब फतहा में है, यदउ वदा यदउ, लिअन्नहु मिस्लु ज़हबा यज़हबु, ज़हबा यज़हबु, ठीक है, इस ये जो भी बताया जा रहा है ना ये वदा यदउ, इसमें कुछ तफसील है, कुछ इसमें डिटेल्स है जो अभी हम लोग को जानना ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कहा जाता है कि वदा यदउ में वाव को हज़फ नहीं होना चाहिए था एक्चुअली में, बिना हज़फ के आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपका फिर भी हज़फ कर दिया जाता है क्योंकि हरूफ़ हलाकिया में से ये है, खैर ये जो तफसील हम बताया बाद में मान करेंगे, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि वदा जो है ना ये वदा वहाबा दोनों जो है ना ये बाब फतहा में जा रहा है, फतहा में जा रहा है इसका मतलब क्या, फतहा यफ्तहु, ठीक है, मादी में भी फतहा और मुदारे में भी क्या है, फतहा यफ्तहु, फतहा यफ्तहु, यफ्तहु फतहा यफ्तहु, तो वदा तो मान के चलिए कि ये क्या है बाब फतहा में, तो इसीलिए क्या हो गया वदा से मुदारे क्या बनेगा इसका, यदउ वदा यदउ, वदा का मतलब क्या है, वदा वदा का मतलब है रखना, वदा मतलब टू प्लेस किसी चीज को रखना, वदा वदा शय किसी चीज को रखना, वदा यदउ, ठीक है, अब एक और मिसाल देखिए वहबा, वहबा का बारे में कहा गया, वहबा के बारे में कि वहबा जो है मिसलु वदा, वहबा किसके मिसल है, किसके जैसा है, मिसलु वदा माने वदा के तरह है, यानी कि और वदा खुद किसके तरह है, ज़हबा के तरह है, यानी कि बाब फतह है, दोनों क्या है बाब फतह में है, तो वहबा का मुदारे क्या होगा, कौन बताएगा वहबा का मुदारे क्या होगा, यहबु, यहबु, बहुत अच्छा बारकल्लाहु फीक, यहबु, ठीक है बहुत अच्छा, यहबु वहबा यहबु, ये मुदारे हो गया इसका, तो देख लिए दो किस्म, एक तो ऊपर वाला वजदा से लेकर वलज तक ये दौराबा यद्रिबु है, और वदा वहबा ये क्या है फतह यफ्तहु है, ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया अब आप लोग को, तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट दूसरे मश्क में जाते हैं इंशाल्लाह, यहाँ पर क्या करना आसान फेल, यहाँ पर फेल अम्र बनाना है जो हम लोग लास्ट टाइम किए थे, फेल अम्र बनाना है, ठीक है, फेल अम्र बनाना है, तो वक़फ़ा यकीफ़ू, तकीफ़ू दिया अंता है इसलिए तकीफ़ू, अंता फेल अम्र किसका बनता है, अंता से लेकर अंतुन्ना तक, ठीक है, तो तकीफ़ू के कैसे फेल अम्र बनाया गया है, ता को हटा दिया गया, ये करते हैं ना पहला क्या करते हैं मुदारे की अलामत को हटा देते हैं और क्या करते हैं लास्ट जो लेटर इसको क्या करते हैं सुकून कर देते हैं, ठीक है, अब क्या बचा देखिए किफ, किफ किफ ही ये क्या फेल मुदार है, एक किफ क्या फेल अम्र है, तो वक़फ़ा का मतलब क्या होता है वक़फ़ा यक़िफ़ु, तकीफ़ु का मतलब क्या होता है रुकना या खड़े होना, अब किफ का मतलब क्या हो जाएगा रुक जाओ या खड़े हो जाओ, दोनों माने, ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, नोट इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है, ला यहताज, ठीक है, ला यहताजु, यहताज मतलब क्या होता है मोहताज होना, ला यहताजु ये फेल है, हाँ एहताजा यहताजु एडवांस फेल ये करेंगे इंशाल्लाह बाद में, तो ला यहताजु माने मोहताज नहीं है, कौन मोहताज नहीं है, ये वक़्फ़ किफ जो है ना ये फेल अम्र ला यहताजु, ये किफ मोहताज नहीं है, किस चीज़ का मोहताज नहीं है, जिसका मोहताज होता है कोई चीज़ या मोहताज होता है मोहताज नहीं होता इला आता उसके बाद में, हाँ
तो इस फेल के साथ इला का इस्तेमाल होता है। क्या जा रहा है? ला यहताजु इलल हमजा, ये फेल जो है हमजा का मोहताज नहीं है। ठीक है, पता है ना फेल अमर में एक हमजा लगाते हैं ना, जैसे लास्ट क्लास में किए थे खराज यखरुज तखरुज, अब पढ़ नहीं सकते इसलिए उखरुज यज़हबु इज़हब इक़रा, हमजा लगाते पढ़ने के लिए फेल अमर को। लेकिन यहाँ पे हमजा का मोहताज नहीं है यकिफ, क्योंकि लिअन्ना इसलिए के अव्वलहु, इसलिए के अव्वला क्यों हो गया, लिअन्ना इन्ना की बहनों में इसलिए, इसलिए अव्वला हो गया अव्वलु से। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि लिअन्ना अव्वलहु, किफ का जो अव्वल है, किफ का अव्वल यानी कि ये किफ का पहला हर्फ जो है वो क्या है, मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक मतलब हरकत वाला है, इसलिए हरकत वाला जब है तो आपको हमजा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं लगाते हैं फेल मिसाल वावी में हमजा, उसके अम्र में नहीं लगाते हैं? क्यों? क्योंकि ला यहताजु इलल हमजति लिअन्ना अव्वलहु मुतहर्रिकुन, इसलिए नहीं लगाते क्योंकि इसका जो अव्वल है वो क्या मुतहर्रिक हरकत वाला, तो अब हमजा लगाने की जरूरत नहीं है। किफ ही फेल मुदारे, किफ ही क्या फेल अम्र है। ठीक है, अब बताइए तज़ीनु का मुदारे क्या बनेगा, फेल अम्र क्या बनेगा, वज़न यज़ीनु तज़ीनु फेल अम्र कैसे बनाएंगे इसका? ज़िन। ज़िन, बहुत अच्छा, ता हटा दिए और इसको सुकून कर दिए। ज़िन तईदु वादा यईदु, तईदु तईदु का फेल मुदारे कैसे, फेल अम्र कैसे बनेगा? ईद। ईद, बहुत अच्छा, ईद, ईद मतलब होता, ईद मतलब क्या होता, वादा करो, ईद मतलब क्या हो गया कि तुम वादा करो, ईद ईदा ईदू तुम सब वादा करो, ईद मतलब हो गया क्या, वादा करना। ठीक है, के बाद नीचे देखते हैं, नीचे में क्या है, वहबा यहबु तहबु आ गया, इसको मुजारे कैसे बनाएंगे, अम्र कैसे, अम्र कैसे बनाएंगे, ता हटा दिए और इसको सुकून, क्या बचा फिर, हब, हब, बहुत अच्छा, हब मतलब आया, हब मतलब दो दीजिए, जैसे दुआ कुरान में हब लेना, ए अल्लाह दीजिए हमें। ठीक है, हब, गिव अस, गिव, ठीक है, हब। उसके बाद तदा वदा यदउ, यद वदा यदउ, तदउ कौन से माने में, रखना है, रखने के माने में, इसका मुदारे कैसे बनेगा, ता हटा देंगे, सेम और क्या करेंगे, अच्छा क्या क्या बना फिर ये, बा का मतलब क्या होगा अरबी में फिर, रखो, पुट। ठीक है, फिल, इसीलिए आपका इस्तेमाल है ना किताब में, फिल इन द ब्लैंक, फिल फराग, क्या आया चैप्टर में, दा फिल फराग, ब्लैंक में क्या कीजिए, रखिए, पुट, पुट इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक के लिए क्या इस्तेमाल, दा, तो दा मतलब होता है रखो। ठीक है, दा, ठीक है, दा। अब उसके बाद क्या, वक्त 5-6 मिनट बचा है, खैर जो भी होता मश कर लेते हैं, तो अब कुछ यहाँ पे मश दिया उसको देखते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे देखिए इकरा मा यली, इकरा मतलब फेल अमर है, इकरा पढ़िए, मा माने जो, यली जो आ रहा है नीचे, यली माने व्हाट फॉलो, दैट व्हिच फॉलोस, मा यली व्हाट, व्हाटएवर इज फॉलोइंग, रीड व्हाट फॉलोस, जो नीचे आ रहा है रीड द फॉलोइंग, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो मता, अब एक एक करके जुमला आ रहा है, मता तसिलु ताइरतु, मता मतलब क्या होता है, कब, व्हेन, तसिलु कहाँ से आया है, वसाला यसिलु, तसिलु कहाँ से आ रहा है, वसाला यसिलु, फेल किया ना अभी, वसाला यसिलु, वसाला यसिलु का मतलब क्या होता है, कौन बताया, किसको याद है, वसाला यसिलु कहाँ से आ रहा है, वसाला से, माने बताइए, लिखे हैं ना कोई तो लिखे होंगे जरूर, वसाला यसिलु, ये हिया के लिए आया है, तसिलु इसलिए हो गया है। ठीक है, तो वसाला यसिलु का मतलब क्या होता है, पहुंचना, याद कर लीजिए, बार बार दोहराना नहीं पड़े फिर, टू अराइव। ठीक है, तो कब पहुंचेगी, व्हेन विल, कब क्या पहुंचेगी, अत्ताइरतु, अत्ताइरा मतलब क्या होता है, एरोप्लेन, माने फ्लाइट कब पहुंचेगी। ठीक है, प्लेन कब पहुंचेगी, मता तस्विलु ताइरतु, अत्ताइरा क्या आप देख रहे हैं, मुअन्नस है, इसलिए क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, वस तस वस यसिलु नहीं, क्या इस्तेमाल हुआ, इसलिए तसिलु, हिया का सीगा,
तो मता तस्विलु ताइरतु, कब फ्लाइट जो है प्लेन कब पहुंचेगी मिन बारिसा, बारिस यानी कि पेरिस फ्रांस का कैपिटल, ठीक है, मिन बारिसा, बारिसा बारिसा फॉरेन फॉरेन वर्ड है इसलिए बारिसी नहीं हुआ, मिन मिन बारिसा हो गया, ठीक है, ममनू मिन असरफ गैर मुनसरिफ है। मता तस्विलु ताइरतु मिन बारिसा, पेरिस से प्लेन कब पहुंचेगी, जवाब दिया जा रहा है क्या, तसिलु तसिलु पहुंचेगी यानी कि वो पहुंचेगी यानी कि द फ्लाइट विल अराइव, प्लेन विल अराइव, कब पहुंचेगी प्लेन, फिस साअतिल हादियता अशरता वन निस्फी, फिस साअति माने बजे, कितने बजे, कितने घंटे यानी कि कितने बजे, साअत माने साअतुन माने घंटा, बज यानी कि यहां मुराद घंटा, कितने बजे, साअतिल हादियता अशरता, हादियता अशरता ये क्या है, ग्यारहवा, अशरा माने समझ रहे हैं ये नंबर है इलेवेंथ के लिए, इलेवेंथ ग्यारह के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हादिया, ऐसे अहदा अशरा होता है ग्यारह, लेकिन ग्यारहवा इलेवेंथ ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर होता है ना ग्यारह, ऐसे कि अव्वल अहद होता है क्या, अहद तो वाहिद होता है एक के लिए, इस्नान होता है क्या दो के लिए, सलासा होता है तीन के लिए, लेकिन अब उसको पहला के लिए क्या होता है, वाहिद नहीं बल्कि अव्वल, दूसरा के लिए क्या होता है सानी, तीसरा के लिए क्या होता है सालिस, तीन के लिए सलासा, लेकिन तीसरा थर्ड ऑर्डिनल नंबर क्या होता है सालिस, इस तरीके से अहदा अशरा होता है ग्यारह के लिए, लेकिन हादियता अशरा, हादियता अशरता क्या होता है आपका ग्यारहवे, ग्यारहवे घंटे में यानी कि ग्यारह बजे आएगी फ्लाइट, वन निस्फ ग्यारह और आधा यानी कि साढ़े ग्यारह बजे, 11:30 ये बताया जा रहा है कि फ्लाइट जो है साढ़े ग्यारह बजे लैंड करेगी माने पहुंचेगी, ठीक है, और ये ग्यारह जो नंबर है ना ग्यारह ये मंसूब होता है ग्यारह, ठीक है, जैसे हम लोग किए हैं कायदा अहदा अशारा इतना अशारा सलासत अशारा, ये कायदा है ना ग्यारह से लेकर के उन्नीस में जो नंबर आ रहा है ना, नंबर का दो जुज होता है, दो हिस्सा होता है, वो मबनी मनसूब होता है, फतह पर मबनी होता है, ठीक है, इसलिए फतह फिक्स है, यहाँ होना ही है फतह, तो 11 बजे फ्लाइट लैंड करेगी, फ्लाइट पहुंचेगी, तसीलु देख तसीलु आ गया, वसाला यसीलु तसीलु, एक और मिसाल कर लेते हैं इसी पर खत्म करते हैं, वजबा से यजीबू हो गया, देख रहे हैं यजीबू मतलब वाजिब है, वजबा से क्या आया यजीबू, वाजिब है, किस पर वाजिब है, अलैना हम पर, हम पर वाजिब, हम पर जरूरी है के अन नफहमा के हम सब समझे, अन नफहमा कि हम सब समझे, क्या समझे, अल कुराना अल करीमा, वाजिब है हम पर, हम सब पर, अन नफहमा के हम समझे, क्या समझे, अल कुरान, अल कुराना क्या है मफूल भी, किसका मफूल भी है, नफहमा का, और करीम क्या है सिफत है, किसका सिफत है, नात है कुरान का, वाजिब है हम पर कि हम सब समझे क्या, कुरान करीम को, और वह न अमला अमीला या अमलू से आया, अमीला या अमलू न अमला, ठीक है, न अमला क्यों हो गया ये न अमलू से, क्योंकि ये अन के बाद आ रहा है, अन नफहमा ये वाव जो है ना जोड़ रहा है न अमल को, किसके साथ में, नफहमा के साथ, इसीलिए न अमला हो गया, वाजिब है हम पर कि हम कुरान करीम को समझे और न अमला और हम सब अमल करें बिही उस पर, बी से मुराद यहाँ पर आले ही भी मान उस पर, ठीक है, ना अमला भी ही उस पर हम अमल करें, ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से, अगर एक मिनट हमारे पास बचा कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, 50 सेकंड बचा तो सवाल है तब तक जो हम लोग किए हैं, सवाल होगा व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, हम लोग नॉर्मल क्लासेस शुरू कर चुके हैं, अब रिविजन नहीं हो रहा, नॉर्मल क्लास ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, तो कभी हफ्ता में एक दिन होगा क्लास, कभी हफ्ता में दो दिन होगा इंशाल्लाह, ठीक है, तो बता दिया जाएगा ऐसे, तो हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम लोग के लिए अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारी गुनाहों की मगफिरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका आमीन, अशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक आमीन।